अब हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थित भांप गए, वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया, यह भी बताया कि वे कंबद और शबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने, उनकी सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए? हनुमान समझ गए, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं, एक अयोध्या के निर्वासित हैं और दूसरा कृष्णा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है और दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं हैं। अर्थात बच्चों, अब यहाँ पर जब हनुमान अपने प्रश्न को पूछते हैं तो पूछने के साथ ही तब वे कहते हैं, अब राम अपना जवाब दे रहे हैं कि हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने बड़ी ही विनम्रता यानी बहुत ही शालीनता से अच्छे से उन्होंने उस चीज़ का जवाब दिया। और प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान सारी स्थिति को भांप जाते हैं, वे जान जाते हैं कि कारण क्या है और ये कौन है। तो इस नाते से बच्चों फिर वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, क्योंकि अभी वो भेष बदल कर वहाँ थे, लेकिन अब उन्होंने अपने असली रूप में आ जाते हैं। और असली रूप में आते ही वे बोलते हैं कि मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक, और कहते हैं कि मैं आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा गया था, यानी कि मुझे राजा सुग्रीव ने यहाँ पर भेजा था आपका परिचय जानने के लिए, आप कौन हैं। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण, यानी कि लक्ष्मण ने अपना परिचय दे दिया था कि वे कौन हैं, और वन में आने का कारण भी बताया। फिर वन में आने का कारण बच्चों एक ही था कि सीता का अपहरण हो चुका था, और इस नाते से उनकी खोज के लिए वे निकले थे उनकी तलाश में। यह भी बताया कि वे कबंद और शबरी की सलाह पर आए हैं, यानी जो कबंद राक्षस ने कहा था और जो शबरी भक्तिन थे राम की, उन्होंने, ये दोनों ने कहा था कि सुग्रीव से भेंट कर लीजिएगा। तो इस नाते से हम सुग्रीव से मिलने आए हैं और उनकी सहायता मांगना भी आए हैं। हनुमान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, और मुस्कुराहट आते ही कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता की आवश्यकता है। अर्थात आप उससे सहायता मांगने आए हैं जिसे स्वयं ही सहायता की आवश्यकता है। हनुमान हर चीज़ को समझ चुके थे, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी ही थी। अब राम की स्थिति एक जैसी इसलिए बच्चों कि वहाँ पर कैकेयी के वचनानुसार दशरथ ना चाहते हुए भी राम को 14 वर्ष का वनवास देते हैं और राजा भरत को बनाया जाता है। यहाँ पे अब पिता राम के भी नहीं थे, और माता के द्वारा इस प्रकार से पिता के द्वारा आज्ञा पाने के बाद ही राम राज्य को छोड़ते हैं। और कृष्णा में राजा सुग्रीव जो थे बाली के भाई, इनकी भी पत्नी को उनके स्वयं के भाई ने छीन लिया था उनसे, और इनको उनके राज्य से निकाल दिया था। यानी कि दोनों ही राज्य से निकाले हुए हैं और भटक रहे हैं। इस नाते से स्थिति को वो हनुमान ने समझ लिया था, और समझने के साथ ही दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए, यानी कि दोनों ही एक ही तकलीफ से गुजर रहे हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। वे मित्र हो सकते हैं, यानी कि ये दोनों लोग मित्र बन सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है और दूसरा कृष्णा से, यानी एक को अयोध्या से निकाल दिया गया है और दूसरे को कृष्णा से, यानी परिस्थिति दोनों की लगभग एक ही समान थी। और इसी नाते से कि एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है, यानी कि राम की पत्नी का रावण उठा के लेके अपहरण कर लेता है, और वहीं दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली रहती, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, और दोनों के ही पिता नहीं थे।
यानी आज ये दोनों जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उनकी परिस्थिति सेम है, एकदम सामान्य है जैसी उनकी परिस्थिति है। जैसे उनके भी पिता नहीं हैं, सुग्रीव के, राम के भी पिता नहीं हैं। सुग्रीव को उसके भाई ने अपने राज्य से निकाल दिया है, तो राम को उनके माता के वचनानुसार राजा दशरथ ने निकाल दिया था। अब यहाँ पर सुग्रीव की पत्नी जो थी वो उनके भाई ने छीन ली थी, यानी कि बाली ने, और राजा राम की पत्नी का हरण रावण ने कर लिया था। तो यहाँ दोनों के पास पत्नियाँ भी नहीं थी, तो लगभग दोनों एक ही दर्द से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और इसी नाते से कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं, इसलिए इनकी मित्रता करवाना आवश्यक है। इन दोनों में मित्रता होगी तो दोनों एक दूसरे की जब सहायता करेंगे तो सारी जो तकलीफें हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी, और फिर एक सिरे से हर एक कठिनाई को दूर करते हुए हम आगे मार्ग पर बढ़ पाएंगे। और इन सभी बातों को हनुमान ने कहीं ना कहीं जान लिया था, समझ लिया था, और इसी नाते से बच्चों वो अब ये चाहते थे कि वे सुग्रीव और राम की मित्रता करवा दें, क्योंकि मित्रता के पश्चात दोनों का दायित्व हो जाता है। दायित्व हो जाने पर एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करता है, उसे अकेला नहीं छोड़ता, और इसी नाते से हनुमान अब चाहते थे कि ये दोनों मित्र बन जाए। और मित्र बनने के बाद जिससे आप सहायता मांगने हैं, पहले उसकी सहायता करके फिर आप उससे सहायता प्राप्त करें। तो इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के काम आएंगे, उनकी तकलीफें दूर होंगी, और वे जिस हेतु आए हैं वहाँ, जैसे सीता की खोज में राम आए हैं, तो उस मार्ग पर फिर वो आगे बढ़ पाएंगे, और इसी में उनकी सहायता सुग्रीव करेंगे, जिसको कबंध और शबरी ने प्रस्तुत उन्हें बता दिया था। अब हम आगे देखते हैं।